बीते दिनों भागापुराना पुलिस और एक्साइज विभाग द्वारा छापेमारी के दौरान अवैध शराब का धंधा करने वालों ने उन्हें बंदी बना लिया था और जब इसकी सूचना भागापुरानी पुलिस को मिली तो वह मौके पर पहुंची और अवैध शराब कारोबारियों ने उनके साथ भी बदतमीजी की, जिसको लेकर पुलिस ने करीब 18 लोगों के खिलाफ बाइनाम और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था, जिसमें से आज पुलिस ने एक आरोपी को मोगा के सरकारी अस्पताल से उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह अस्पताल में इलाज के लिए गया था। हम आपको बता दें कि भागापुराना पुलिस को सूचना मिली थी कि साथ लगते गांव रोड़े के नज़दीक कुछ लोग अवैध शराब का धंधा करते हैं और जब एक्साइज विभाग और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई तो शराब कारोबारियों ने उन्हें बंदी बना लिया था और जब इस बारे में पुलिस को पता चला तो वह उन्हें छुड़ाने के लिए गई तो उनको भी बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ा। पुलिस ने करीब 18 लोगों के खिलाफ बाइनाम और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था, जिसमें से आज एक आरोपी को पुलिस ने सरकारी अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया है। मोगा से आज़ाद टीवी न्यूज़ के लिए जोगिंदर सिंह की रिपोर्ट। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਕੜਿਆ? ਇਹਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਅੰਬਰਧਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖੇਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। FIR ਦਰਜ ਹੈ, FIR ਨੰਬਰ 196 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 307 IPC, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ 18 ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਟੂ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੇ 30 ਬੰਦੇ ਹੋਰ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚੋਂ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਜੀ। ਐਡਮਿਟ ਸੀ।